बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेज आतिफ अकाई किचन गार्डनिंग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने किचन गार्डनिंग को शुरू किए हुए 10 दिन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने छत की सैर कराऊं। आपके सामने हमने जौन सी टमाटर की पनीरी लगाई थी, वो आप देख सकते हैं कि वो अब माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। ये छोटे छोटे से पौधे हमने आपके साथ शेयर किए थे, ये टमाटर के पौधे हैं और इसके साथ हमने मिर्च के पौधे लगाए थे। ये दोनों माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और ये साथ हमने थोड़ी सी मेथी लगाई है। अभी मेथी का रिज़ल्ट नहीं आया, इसे एक दो दिन हुए हैं हमें लगाए हुए। इंशाल्लाह ताला जैसे ही इसका रिज़ल्ट आएगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी सैलड भी लगाएँ, और फिर हमने थोड़े बहुत ये सैलड के पत्ते लगाए हैं जो कि अभी बहुत छोटे हैं। जैसे ही इनका भी रिज़ल्ट आएगा साथ साथ मैं आपके साथ शेयरिंग करती रहूँगी। थोड़ा सा हमने प्याज भी लगाया और ये दो टोकरियों में हमने साग लगाया है। साग भी जैसे ही तैयार होगा उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारे नींबू का पौधा है और ये देखिए आप लेमन आ चुके हैं, इसमें छोटे छोटे से लेमन हैं और साथ फ्लावरिंग भी हो चुकी है इनकी। जैसे जैसे फ्लावरिंग हो रही है वैसे वैसे फ्रूट हासिल हो रहे हैं। हमें अपनी छत के ऊपर किचन गार्डनिंग का मकसद ये है कि हम अपनी छत से ऑर्गेनिक सब्जियों को हासिल कर सकें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, कम से कम पैसे खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जैसे जैसे इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट आएगा वैसे वैसे मैं आपके साथ हर चीज़ को शेयर करूँगी कि ये हमने कैसे शुरू किया और इनसे हमें क्या फ़ायदे हासिल हुए और क्या नुकसान भी। ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर बंद गोभी और गोभी के पनीरी लगाई है। ये दोनों पनीरियाँ ही हैं जो कि हमने लगाई हैं। इसके साथ हमने ये लेमन ग्रास लगाया, ये भी बहुत छोटा है, और साथ पालक लगाई है। इन दोनों टोकरी में पालक है और ये ब्रोकली के पौधे हैं और ये माशाल्लाह बहुत प्यारी बनती है। और ये हमारे मूंगरे हैं, ये हमने मूंगरे लगाए हैं और मूंगरे के साथ हमने बैंगन लगाए हैं। और इन दोनों टोकरियों में हमने शलजम लगाई है। देखिए शलजम के बीज किस तरह फूट कर बाहर आ रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। साथ हमने थोड़ी बहुत फ्लावरिंग भी की है कि पौधों के साथ साथ फूल भी अच्छे लगते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।